फैमिली किचन। नमस्ते, आज हम बनाएंगे इमली की चटनी। उसके लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी इमली ली थी, उसको हमने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था आधे घंटे पहले। चटनी के लिए यहाँ पे हमने एक कटोरी चीनी, आधा चम्मच सौंट का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर लिया है। यहाँ पे हम इमली का पल्प अलग करेंगे गुठली से। पल्प को हम छन्नी में अच्छे से छान लेंगे। और अब यहाँ पे इमली से हमने सारा पल्प निकाल के अलग कर लिया है। अब इसको हम पकाने के लिए गैस में रख देंगे। इमली को एक मिनट पकाने के बाद इसमें हम एक कटोरी चीनी डाल देंगे। चीनी को मिलाने के बाद इसमें हम उबाल आने देंगे। इसको हमें लगातार चलाते रहना है। चटनी में उबाल आ गया है और वो हमने जो मसाले लिए हैं वो हम सारे इसमें डाल देंगे। मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमें लो मीडियम फ्लेम में पकने देना है। चटनी को हमें तब तक पकाते रहना है जब तक चटनी गाढ़ी ना हो जाए। चटनी को हमने हल्का सा टेस्ट करके देखा, उसमें मीठा कम लग रहा था, इसलिए हम चटनी में 2 चम्मच चीनी और ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे चटनी अच्छे से पक चुकी है। चटनी को हमें अगर लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो चटनी को हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना होगा। और अब यहाँ पे इमली की चटनी बनके तैयार है। अब हम चटनी को इसी कढ़ाई में रहने देंगे जब तक ठंडा नहीं हो जाती। और अब यहाँ पे इमली की चटनी बनके तैयार है। आप इसको ठंडा करके फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख सकते हैं।